ऑनलाइन ठगी के मामले में जशपुर जिला पुलिस ने झारखंड के जामताड़ा से अंतरराज्यीय साइबर ठग गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड, राजस्थान, हरियाणा में साइबर क्राइम के कई अपराध दर्ज हैं। जशपुर जिले के कासाबिल निवासी लक्ष्मण गर्ग ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 26 मई को उनकी बेटी के मोबाइल पर एक कॉल आया था। कॉलर ने बताया कि वह स्पीड पोस्ट सेवा से बोल रहा है। उनके नाम से एक पार्सल आया हुआ है। इस पार्सल की डिलीवरी के लिए ₹5 ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। पीड़िता ने कॉलर को डिलीवरी बॉय को ₹5 देने की बात कही, लेकिन शातिर कॉलर ने ऑनलाइन भुगतान न करने पर डिलीवरी न होने की बात कहते हुए पीड़िता को जाल में फंस लिया। पीड़िता ने जैसे ही शातिर के भेजे हुए लिंक पर ₹5 का भुगतान किया, उसके बैंक खाते से 49,971 रुपए गायब हो गए। लक्ष्मण गर्ग की शिकायत पर कांसाबेल थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। जशपुर एसपी शशि मोहन ने डीएसपी विजय सिंह राजपूत, भावेश समर्थ और कांसाबेल थाना प्रभारी गौरव पांडे के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर प्रोडक्शन वारंट में आरोपियों को जशपुर लाने के लिए रवाना किया था। पुलिस टीम ने जामताड़ा में आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी कर जामताड़ा जिले के निवासी आरोपी अनवर अंसारी मियाँ, अख्तर अंसारी, तैयब अंसारी और जमशेद मियाँ को प्रोडक्शन वारंट में जशपुर ले आया। एसपी शशि मोहन ने मामले को लेकर बताया कि गिरफ्तार चारों आरोपियों में से किसी ने भी 8वीं से अधिक की पढ़ाई नहीं की है, लेकिन ये इतने शातिर आरोपी हैं कि साइबर क्राइम में पूरी तरह से एक्सपर्ट हैं। उन्होंने यही बताया कि प्रदेश में इन आरोपियों के विरुद्ध 321 अपराध पंजीबद्ध है। पुलिस विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध अंबिकापुर जिले में 12, बालोद में 22, बलौदाबाजार में 2, बलरामपुर में 9, बस्तर में 15, बेमेतरा में 3, बिलासपुर में 47, धमतरी में 7, दुर्ग में 46, गरियाबंद में 5, कोयला पेंड्रा मरवाही में 4, जांजगीर चांपा में 6, कांकेर में 6, जशपुर में 3, कबीरधाम में 2, कोरबा में 19, खैरागढ़ गंडई छुई खदान में 2, महासमुंद में 5, मुंगेली में 2, नारायणपुर में 1, रायगढ़ में 22 और रायपुर में 55, साथ ही राजनांदगांव में 10, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में 10 और इसके साथ ही सूरजपुर में 10 अपराध पंजीबद्ध है। मामले को लेकर एसपी शशि मोहन ने इस तरह की जानकारी मीडिया को दी है। जशपुर पुलिस के द्वारा जामताड़ा से 4 आरोपियों को, अनवर, अख्तर, जमशेद और तैयब, इन 4 आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया है। और लास्ट ईयर फरवरी में हमारे पास ये शिकायत मिली थी कि प्रार्थिया का कहना था कि वो स्पीड पोस्ट से कुछ सामान मंगवाई थी और उसके नंबर को इन लोगों ने कहीं से लेके इसे कॉल किए कि आपके डिलीवरी में देर होगी, अतः आप ₹5 का एक ट्रांसफ़र करिए गूगल पे से। और जब उसने किया तो इन लोगों ने फिर टेक्निकल दिक्कत बता के उसे एक लिंक भेजा और जैसे ही उसने लिंक को ओपन किया उसका ₹49,000 उसके अकाउंट से कट गया। इस पे कांसाबिल थाने में 419, 420, 467, 468, 471, 120 भी और IT एक्ट की धारा इसमें पंजीबद्ध किया गया था और इन आरोपियों को वहाँ से लेके आया गया। इनके बारे में पता किया गया यहाँ पे हमारे PHQ का टेक्निकल टीम से पता करने पर पूरे छत्तीसगढ़ में इनके खिलाफ 321 मामले शिकायत प्राप्त हुए हैं, जिसमें कई में FIR दर्ज है। सभी पुलिस को यहाँ से इन्फॉर्म किया जा रहा है और इनके खिलाफ आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये शातिर अपराधी जाने कितने मासूम लोगों को ठग कर उनकी गाढ़ी कमाई, उनकी मेहनत की कमाई को हड़प लिया है। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा प्रशासन को देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN न्यूज।